तो चाय पीने के पहले इनको हम प्लीज दे ताकि इनका जो काम है वो शुरू हो जाए अपना, कहीं इनको चाय पीना नहीं है। बेटा इसमें मिर्च कितना डाले हो? श्रेया बेटा ये तो चटनी है, इसमें प्याज तो डाली नहीं, प्याज रख के गई है। मैं सोच रही कि पूरा तो चटनी का वो बना के रखी है, प्याज कट हमें करना है। वैसे कल मैं बनाए मैं मतलब दोनों बनाए थे मिलके, बैंगन की पकौड़ी सारी प्याज जली जा रही, तो कल चटनी बनाई थी, चटनी आज रखी हूँ, चटनी वही तो मैं सोच रही थी कल मैं चटनी रखी हूँ तो आज फिर चटनी को प्याजे काटने में मेरी हालत खराब होती है। तो बहुत सारे व्यूअर्स मेरे बोल रहे हैं कि आप लाइव करिए, तो आज मैं लाइव करूंगी, आप लोग आइएगा। थोड़ा सा टाइम निकालूंगी लाइव करने के लिए, हालांकि कल से मैं आज ठीक हूँ, मेरी जो तबीयत है वो ठीक है लग रहा है, खांसी भी नहीं आ रही, कल खांसी वाली दवा भी मैं ले ली थी, खांसी नहीं आ रही है। और ये वीडियो तो हो गया है, और जो इस जो सब्जी की रेसिपी वाली वीडियो है वो आपको दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाएंगे ना, तो दूसरे वीडियो में उसको देख लीजिएगा, मैं उसकी रेसिपी डाल दूंगी कि इसको श्रेया ने बनाया है। तो यहाँ पर चावल बन गया है, दूध बन चुका है, चाय मैं अपने बना ली हूँ और बस चाय पीना है। तो हमने सोचा तब जब तक ये बनाएंगे तब तक हम इसको ग्रेवी तैयार कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर देखिए इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं और श्रेया को दे देंगे, अपना बनाती रहेंगे। तो ये वीडियो जो है आपको कल हो सकता है जाए या तो फिर आज शाम को तक चली जाइए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा। और माँ बेटी का काम है इस वीडियो में, हम लोग मिल के काम किए हैं, अच्छा लगता है ना। और आज मैं देखिए ये जो उनको गिफ्ट मुझे दिए थे, और ये कौन सी मिठाई है, ये क्या है, खाने का पता चलेगा। लेकिन इसमें जो ये है ना खुरमा, ये मुझे बचपन से पसंद आता है और बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है, खाते में दिखाती हूँ। गिर गया क्योंकि आप लोगों को नहीं पूछी थी ना, इसलिए तो आप लोग पहले खा लीजिए, इसलिए नीचे चला गया। एकदम एकदम सॉफ्ट, चार बचा था चार पीस, जिसमें से एक तो मेरे पेट में गया, दो ये है, एक नीचे गया। हमको बचपन से पसंद है बहुत ज्यादा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, फिर से बोलते हैं। और मेरे जो दूसरा चैनल है मेरा वो है यूपी ब्लॉगर रंजू सिंह, तो आप लोग उस पर भी आइएगा और अच्छा लगेगा, आएंगे आप, और बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोग हमारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो सारे लोग उस चैनल को विजिट कर चुके हैं, तो जो न्यू हैं आप लोग भी विजिट करिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। हम अपना जो डेली रूटीन है वही उसमें भी शेयर करते हैं, वही मेरा ये ब्लॉग विद ममता में भी शेयर होता है। तो वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, यहाँ पे वीडियो एंड कर देंगे, जो नया वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है।